बैठो। सर ये इतना सारा खाना किस लिए है? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम आखिरी बार मिलने आ रही हो, इसलिए मैंने मंगाया। गलत, वेट कर रहा था तुम्हारी, सोचा कि खाना ही ऑर्डर कर दे। मैं जा रही हूँ इसलिए आपने मंगवा लिया होगा। सिर्फ जा नहीं रही हो क्योंकि तुम्हारा पति 12वीं पास फटीचर कहाँ से खिला पाएगा तुम्हें। सोचा जाते जाते कुछ अच्छी सी पार्टी दे के भेजूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं कि हम लोग आखिरी बार मिल रहे, लेकिन स्पेशल इसलिए कि पहली बार मैं प्रेरणा को बताकर यहां आया हूं। छुपाने को तो अब कुछ रहा ही नहीं। से क्या हो क्या हुआ? सब ठीक है ना? कौन गुजरा? प्रशांत पांडे, मुझे फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने यार? शेट यार, क्या होगा उसके घर वालों का? सर आप परेशान पांडे को क्यों मार रहे हैं? वो तो पहले से परेशान है। तो तुम यहां क्यों खोपचे में बैठी हो? लो दिल खाली करो, चलो खाना खाने जाना। चलो बताओ। सर अब मैं ज्यादा दिन आप लोगों के साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। क्या बात? सर मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। कब? सर दो दिन बाद की टिकट है। इंस्टीट्यूट छोड़ के? ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ के? बगैर फ्यूचर का कोई ख्याल किए हुए? क्या वजह क्या है? मैं डॉक्टर कपूर के इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। क्या चाहिए था आपको? नहीं चाहिए कुछ नहीं, थोड़ी बात करनी थी। यहीं करें या अंदर करें? आइए। आप हाउसवाइफ? नहीं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर प्रेरणा। डॉक्टर प्रेरणा, वाह, वाइफ हस्बैंड दोनों डॉक्टर। मैं तो अभी शादीशुदा भी नहीं हूँ, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ खुला खेल फरूखाबादी। लेकिन आप लोगों की बहुत चर्चा होती है, मिसाले देते हैं लोग, आकाश प्रेरणा बेस्ट कपल डॉक्टर, टच वुड नजर न लगे। कोई बड़ा भाई है तुम्हारा? जी नहीं। सॉरी मैं आपको तुम बोल सकता हूँ? बड़े हैं आप। शुक्रिया, तुमने मुझे बड़े भाई का दर्जा दिया। देखो मैं कोई पक्षपात नहीं करूँगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना डॉक्टर साहब का, ना तुम्हारा, ना कन्नू का। मेम साहब चाय लाऊं? हाँ चाय लाओ ना, थोड़ी चीनी कम डालना। जी। दो कप। प्यार मोहब्बत निकाह तलाक
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मुझे इन बातों में बड़ा मजा आता है क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं। एक बार यूं ही नेट पर बैठ के तलाश कर रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, मैं शौक हो गया। 100 में से 80% लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 5 में से 4। चार, ये कोई बीमारी नहीं है, ये फितरत है, इंसानी फितरत है। बहुत परेशान था मैं, मैंने अपने दोस्तों से भी बात की जो शादीशुदा लोग थे, मैंने उनसे पूछा क्यों है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या क्या सोचते हो। एक ने कहा भाई कहाँ लिखा है कि शादी होते ही आपके इमोशन के वायर काट दिए जाएंगे, सारे इमोशन खत्म। शादी के पहले भी वो इंसान था, शादी के बाद भी वही इंसान है। शादी के पहले भी प्यार कर सकता है तो शादी के बाद क्यों नहीं प्यार कर सकता है, बताओ मुझे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ना एक स्पेस की जरूरत होती है। तुम्हारी एक अपनी जिंदगी है, डॉक्टर कपूर की भी अपनी एक जिंदगी है, इन दोनों को मिलाकर एक साथ एक दूसरी जिंदगी है, इसको मत बर्बाद करो। कनु को इतनी बड़ी सजा तो मत दो उसके प्यार की कि उसका फ्यूचर खराब हो जाए। डॉक्टर कपूर को सब लोग पसंद करते हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे हस्बैंड हैं, इंसान हैं। उन्होंने प्यार किया, उनको इतनी बड़ी सजा मत दो कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। लीजिए। डॉक्टर कपूर फंसे हुए हैं, तुमको लग रहा है कि वो गलत है तो उससे उनको निकालेगा कौन? तुम, डॉक्टर प्रेरणा, तुम्हारा फर्ज है, तुम निकालोगी। टेम्प्रेरी फेज है, बहुत टेम्प्रेरी फेज है। टेम्प्रेरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नयापन उन्हें दूसरे में दिख रहा है कब तक दिखेगा, एक दिन वो भी नया नहीं रहेगा। फिर लाइफ के एंड में तीनों लोग कहीं 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 सोच रहे हो, एक दूसरे को कोस रहे होगे। कन्नू के फेलियर के लिए डॉक्टर साहब तुम्हें कोसेंगे, इस घर की बर्बादी के लिए तुम डॉक्टर साहब को कोसोगी, और कन्नू पता नहीं किस किस को कोस रही होगी अपने लिए। और एंड ऑफ द लाइफ खुश कौन, बोलो। हर कोई ले लेता है तलाक, लेकिन जिंदगी को बचा के ले जाने में जो मजा है ना, उसको समझने की कोशिश करो, और वो तुम करोगी ठंडे दिमाग से। तुमने मुझे बड़ा कहा है इसलिए ये सब बातें कर रहा हूं। सच बोल रहा हूं, कन्नू से दोस्ती कर लो, वो तुम्हें हार नहीं पहुंचाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब की जिंदगी से कन्नू चली गई तो डॉक्टर भी तुम्हारी जिंदगी से उतना ही दूर चला जाएगा, सोच लो। आकाश, कनु हमारे पास जूनियर कंसल्टेंट की तरह काम करेगी। What? कनु ने भी यही सवाल किया था, मेरा स्वार्थ है इसमें, और तुम ये नहीं पूछोगे कि क्या स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं तो समझदारी ही सही। टेम्पररी फेज है, बहुत टेम्प्रेरी फेज है। टेम्प्रेरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नयापन उन्हें दूसरे में दिख रहा है कब तक दिखेगा, एक दिन वो भी नया नहीं है। आज तुम दोनों से एक प्रॉमिस चाहती हूं मैं। अगली बार जब इसे कॉफी के लिए लेके जाओ या पार्क में, तो इस बेचारी को प्रॉपर्टी डीलर मत बताना। खुदा हाफिज़ मेरे यार, सब बख़ैर।